बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र के मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाएं और जो बेलाद अल्लाह ताला उनको नेक और इनाल अता फरमाएं। जिनके वालदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएं और जिनके वालदैन फ़ार पा गए अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फ़िरदौस में जगह अता फरमाएं। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को मुसीबत में कामयाबियाँ अता फरमाएं, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाएं। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बहन भाई के साथ शेयर करें, साथ में जो घंटे के बटन उसको दबा के तो आप भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बढ़ वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो व्यूअर, आज की वीडियो कुछ इस तरह से, यहाँ हमारे ना ये बजरी पड़ी हुई थी जो नीचे डाल के तो फिर मोटी वाली बजरी, ईंटों की बजरी होती है, नीचे डाल के तो फर्श डाला जाता है, तो इधर पड़ी हुई थी। तो ये जो औरत ये कहती थी कि मेरी दीवार के साथ पड़ी है, जब बारिश होती है तो फिर मेरी दीवार को सलाब चढ़ती है। तो ये देखें, बिल्कुल हमने इधर से उठाई, बिल्कुल दीवार खुश्क है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत शोर डालती थी। तो हमने इधर से उठा के तो वो हमने अपनी दीवार के साथ लगा ली है। वो बच्चों सुबह के लगे हुए थे बच्चों ने, ये बच्चों ने इधर रख दी है, हमने अपनी दीवार के साथ लगा ली है ये इधर। तो ये इसमें मिट्टी वगैरह भी काफ़ी मिली हुई थी तो बच्चों ने इधर से उठाई है। अब ये लकड़ियाँ बची है, ये लकड़ियाँ अभी बच्चों ने उठानी थी और छोटे बच्चे को जो बीन वो लड़ गया इसके ऊपर टाली के दरख्त के ऊपर, ये टहनी वो जो पड़ी हुई है वो उतार रहा था और ऊपर से उसने मिट्टी का तेल डाल के तो जो बीन थे उनकी खखरे वगैरह सारी उनके जला दी थी ताकि बीन लड़े ना, लेकिन वो उसको पता नहीं था और वो टहनी उतारने लगा था तो वो जो बीन है उसको इधर आँख पर लग गया। तो फिर उसने काम जी छोड़ दिया, यह हमने अब इधर से लकड़ियाँ उठानी है, लकड़ियाँ उठा के फिर हम लोग इधर मिट्टी डालेंगे और इधर बजरी पड़ी हुई थी और इधर से काफ़ी जो जगह हमारी इसमें मिट्टी जो अभी इसमें डलेगी क्योंकि यहाँ से तो यहाँ से ये थोड़ी सी इसकी जो गहराई में है ये वाली जगह और ये ऊंचाई में है और अब इसके ऊपर मिट्टी डालनी है। तो ये बच्चों ने ना अच्छी तरह से ये छोटे छोटे जो है ना पत्थर ये नहीं उठाए, मैंने कहा ऐसे ही उठा के तो इसमें डाल के तो फिर उधर फेंकते हैं, उधर रख देते हैं और अब इनको सारों को इस तरह से मैं हमने इधर मिट्टी डाल के ना तो हमने कोशिश करनी है इधर घास वगैरह लगाएं या कोई पौधे वगैरह लगाएं तो अगर फिर इस तरह से सख्त होना नीचे से तो फिर जो पौधे फिर वो सूख जाते हैं, फिर वो परवरिश नहीं पाते। और ये टाली का दरख्त है, फलों का दरख्त मुझे लगाने का बहुत शौक है तो वो तो मैंने काफ़ी दफ़ा लगाए हैं लेकिन वो होते ही नहीं है। और ये टाली का दरख्त है, इसको वैसे भी कोई फल वगैरह नहीं लगता तो, लेकिन ये देखो इतना ज़्यादा ये बढ़ता है ना, हम 8 दिन बाद इसकी जो टहनी नीचे से उतारते हैं लेकिन फिर वो उतनी बड़ी हो जाती हैं। और इसके ऊपर ऊन वगैरह बहुत ज़्यादा, उन्होंने फखरें बनाई हुई हैं और दूसरी ना चिंटियाँ बहुत ज़्यादा हैं और जब हम इधर बैठे तो वो ऊपर गिरती और फिर काटती भी है। तो इसकी छाँव का ही फ़ायदा है कि ये देखिए इसकी काफ़ी ज़्यादा छाँव, वो उधर से लेके इधर तक काफ़ी ज़्यादा छाँव और बहुत मज़े की छाँव है इसकी। तो अब हम ये वट्टे वगैरह खाते हैं और उधर जाके तो हम लोग फेंकते हैं। और जो हमने इधर हमारा काठोबार पड़ा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा था काठोबार, ये वाला इधर बहुत ज़्यादा था और बच्चे ने ठा के तो वो जो होते हैं कबाड़ वाले उनको बच्चा सेल करके आया, बहुत ज़्यादा काठोबार पड़ा था तो उधर बच्चा देख रहे हैं। और ये थोड़ा सा इधर से अब झाड़ू लगाने वाला है, ये इधर से झाड़ू भी लगाएंगे। और ये हमने वो लेके आए थे हम डोगी और डोगी का घर बनाया था तो उस तरह से हसीब ने डोगी हमने किसी को दे दिया था तो हसीब ने उसी तरह से उसका घर है तो उसको उसी तरह से ऊपर से फट्टियाँ वगैरह रखे और अपना ये डंडा हसीब ने बनाया हुआ है, वो इसके साथ खेलता है गेंद वाला जैसे जिसे कहते हैं, तो हसीब ने बनाया हुआ है। और हम दो डोगी लेके आए थे तो मनीप का दोस्त था एक वो लेके गया डोगी और फिर दूसरे ने कहा मुझे भी दे दो, दूसरा भी हमने उसको दे दिया। और मैंने मेरे भाई के पास थी जो हमने डोगी अपने भाई को दिया था तो उसने काफ़ी 6-7 बच्चे दिए थे तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम दोबारा से लेंगे, लेकिन जब हम दोबारा लेने गए तो वो मर चुके थे, कोई भी नहीं बचा। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर उसने डोगी ने बच्चे दिए तो फिर हम लेके आएंगे और इधर हम लोग रखेंगे। और बच्चा कह रहा था कि मुर्गियाँ जो वो उनको बीमारी बहुत जल्दी से आ जाती है और वो फिर मार भी जाती है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। तो वो इतने महंगे महंगे लेके आया था मुर्गे
सील मुर्गे थे वो बड़े महंगे लेके थे, वो कह रहा था मैंने बेच देने, मैंने रखने, तो हो सकता है वो ख़त्म कर दें। और फिर हम लोग अगर मुर्गियाँ हम रखें ना, तो फिर हम इधर सब्ज़ी वगैरह लगाएं, कुछ भी लगाएं तो पौधे वगैरह, तो वो जो मुर्गियाँ फिर वो छोड़ती नहीं, वो खा जाती है और ख़राब कर देती हैं। तो मुर्गियाँ अगर बच्चे ने बेच दी तो फिर हम लोग इधर घास लगाएंगे और कोई सब्ज़ी वगैरह छोटी मोटी जो होती है, जैसे टमाटर होता है, सब्ज़ मिर्च होती है, इस तरह की छोटी मोटी सब्ज़ी वो भी लगा लिया करेंगे। तो एक पूरी इस तरह से हम इधर पार्क बनाएंगे। तो आज तो हम इस तरह से सोच रहे हैं, तो इंशाल्लाह से हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं उस तरह से करें। तो जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको इधर घास वगैरह लगाने की और ये पार्क वगैरह बनाने की। तो आज संडे भी था और संडे को काम बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि सब घर में होते हैं और फिर देर से उठते हैं और फिर नाश्ता वगैरह बनाते बनाते 10-12 बज जाते हैं, आगे पीछे तो सब ने जाना होता है और सुबह सुबह नाश्ता बन जाता है और सारे अपने काम को निकल जाते हैं और संडे को लेट ही उठते हैं। आज एक मिनट हम लोग को दोपहर को हम लोग सो जाते हैं जब बच्चे चले जाते हैं या मेरा हस्बैंड चल जाता काम पे, तो दोपहर को हम कोई घंटा दो आराम कर लेते हैं, लेकिन आज बिल्कुल आराम का मौका नहीं मिला। और अब तकरीबन 4 का टाइम हो गया और अब हम शाम के खाने का इंतज़ाम करने लगे हैं। तो मैंने बच्चों को भेजा हुआ दुकान पर कि देख के अब दुकान पे कौन सी सब्ज़ी है, तो बच्चा गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, क्योंकि हमने अपने हमसायों को किसी को भी नहीं बताया हुआ, इसलिए मैं आस्था से बोलती हूँ। तो मैंने कहा जब चैनल चल निकलेगा ना फिर सबको बता देंगे, तो अभी मैंने नहीं बताया, तो फिर मैं इसलिए बार बार ऊपर देखती हूँ क्योंकि ऊपर चढ़ के ना वो फिर दीवार के साथ लग के ना, तो फिर वो बातें सुनते रहते हैं। तो मुझे तो पता है कि मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन लोग बहुत एडवांस हैं, हो सकता है उनको पता भी चल गया हो कि मैंने चैनल बनाया, क्योंकि दोबारा के साथ चिपके होते हैं और देखते रहते हैं, इसलिए मैं बार बार ऊपर की तरफ देख रही हूँ और मैं ऊँची बात भी नहीं करती। तो जब मेरा चैनल चल निकलेगा, मुझे पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं सबको बताऊँगी। तो ये आप लोगों ने मुझे फुल सपोर्ट करना और मेरी वीडियो पूरी जो आप लोगों ने देखनी है और जो मेरी वीडियो में ऐड आता आप लोगों ने वो स्किप नहीं करना, वो भी देखना। तो अपने बहन भाइयों के साथ आपने मेरी वीडियो को शेयर करना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।